हाँ साहब, सब्जी तरकारी सब ले आया हूँ आपके लिए। आज आपको कुछ स्पेशल बना के खिलाते हैं। क्या खाएंगे आप? तुरई, भिंडी, बैंगन? अरे क्या घास फूस खिलाता रहता है तू? आज कुछ मांस मच्छी खाने का मूड है मेरा। पूरी जिंदगी बीत गई बेईमान इन जानवरों को मार कर पकाने में, क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हाँ खैर छोड़ ये बातें, बता आज मेन्यू में क्या है? लिविंग ऑन द एज में इस हफ्ता आदिवासियों की पीड़ा, सुधी की एलियंस से मुलाकात और हाथियों की कहानी। अरे आज तो कोई बढ़िया सी डेलिकेसी खिलाओ। डेलिकेसी यानी? यानी कुछ स्वादिष्ट, यूनिक, एथनिक। एथनिक यानी मिसाल के तौर पर यही जो ये आदिवासी वगैरह खाते रहते हैं। इसका तो पता नहीं साहब, पर एक आदिवासी गांव की पेशकश देखिए, शायद आपको पसंद आए। अभी भोर भी नहीं हुई है, आंखें अभी भी नींद में डूबी हुई हैं। यह बच्चे बिहार के पलामू क्षेत्र की जनजातियों से हैं। सभी अनाथ हैं। यहाँ की जनजातियां युगों से जंगल पर निर्भर रहती आई हैं, जंगल के शोषण में भी भागीदार रही हैं। पर यह बच्चे बदलाव के चिन्ह हैं। दिन की शुरुआत होते ही यह कार्यरत हो जाते हैं समाज व पर्यावरण की सेवा में। सूचना, बालिका सी हौदा में पानी भरेंगे। कुएं से पानी दोहिए और फिर उसे पिलाइए पौधों व थके यात्रियों को। पर बालिका सी को यह सब रास आता है कि नहीं? हाँ, पर हमें अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है? पढ़ने और लिखने में। बालक डी फूल पत्ती की सफाई एवं कटाई छटाई करेंगे। एक टीम निकल पड़ी है किसी जरूरी काम से। वह काम है वृक्षारोपण, धरती का पालन, खरपतवार आदि से छोटे पौधों की रक्षा करना। एक और पुकार, वह पुकार जो इन जनजातियों के गुरु जत्रा भगत ने शुरू की थी। जंगल की रक्षा के लिए जरूरी है उसका ज्ञान। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह पाठशाला शायद कुछ ही गिनी चुनी पाठशालाओं में होगी जहां पर्यावरण भी एक विषय है। अगर जंगल रहने से वहां कितने बच्चों को मिलता? गांव में जाकर पढ़ाएंगे बच्चा। क्यों पढ़ाएंगे? कि गांव में छोटे छोटे बच्चा लोग की खाली घूमते फिरते रहते हैं, वेल करते रहते हैं, उन्हें सिखाएं। अनाथालय के बाहर लगे ये बोर्ड्स और चित्र दर्शाते हैं इन बच्चों का प्रकृति से स्नेह। अनाथ हैं तो क्या, इतनी कम उम्र में ही उन्हें एक मिशन मिल गया है। रात होते होते एक और प्रयास इन्हें अपने मिशन से जोड़े रखने का, सामूहिक वन गुणगान। समय रहते क्यों ना भेंट कर लें इस अनाथालय के संस्थापक से और पूछें उनकी ड्राइव का कारण। एक माइक्रो लेवल एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल नीचे जा करके ऐसे लोगों के बीच में काम किया जाए जहां तक लोग पहुंचते नहीं, इसलिए यह तो अंतः प्रेरणा है। यह बच्चे अपने इस नन्हे प्रयास से हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रकृति से जुड़े रहने की हमारी जरूरत। कान लगाकर सुनते रहे। अरे यार, ये एनिमल एक्टिविस्ट्स भी नाक में दम करके रखा हुआ है, और ये कुत्ते जो रात भर भौंक भौंक के हमारी नींद हराम करते हैं, उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये भी आपने बहुत आसानी से कह दिया साहब, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये बेचारे जाएं तो जाएं कहां? इनका ना तो घर है ना ठिकाना।
मगर इनके भी बहुत चाहने वाले हैं, जैसे हमारी पड़ोसी। कौन? मेरा नाम सिमरन है और मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। बचपन में मेरा भाई और मैं, हम कुत्ते सड़क के कुत्ते को उठा लाते थे घर पे, लेकिन हमारी नानी को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा कहती थी कि तुम कुत्तों को वापस छोड़ाओ तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगी, बट हम ये नहीं कर पाते थे। और उनमें से ये दोनों कुत्ते मेरे पास है, रानी और ब्रूनो, इनकी कोई खास स्पेशल ब्रीड तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सड़क के कुत्तों को ही हमें प्यार देना चाहिए क्योंकि इनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। हर रोज की डेली रूटीन में तो मैं कुत्तों को, कॉलोनी के कुत्तों को दूध और रोटी तो देती हूँ, लेकिन अगर कोई कुत्ता मुझे तकलीफ में नजर आता है या जख्मी होता है तो मैं एनिमल शेल्टर फोन करके उसको इलाज करने की भी रिस्पांसिबिलिटी लेती हूँ। मैं सोचती हूँ आज से 10 सालों में मैं एक डॉग शेल्टर खोल पाऊंगी जहाँ इन सड़क के कुत्तों को भरपूर इलाज और प्यार मिल पाएगा। इस जानवर को बचाओ, उस जानवर को बचाओ, मैं तो तंग आ चुका हूँ इस सबसे, मुझे तो चाहिए एक ब्रेक। आप लोग भी जाइए और कुछ खा के आइए। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं जंगल में जाकर शिकार करूं। हिरन के गोश्त के बारे में सोचते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। एक आप लोग हैं जो मजे के लिए जंगल में जाते हैं और मासूम जानवरों को मारते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी इन जंगलों पर ही निर्भर है। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के जंगल में ये दृश्य है सरना का। यहाँ की जनजातियों का मानना है कि सरना में पवित्र प्रेतात्मा का डेरा है जो उनकी विपदाओं को दूर रखती है, मगर आज ऐसा प्रतीत होता है कि उस पवित्र आत्मा ने जनजातियों पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा ली है। ये कहानी है गांव ठलकोबाद की। यहाँ तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। नतीजा, इस क्षेत्र की गिनती भारत में सर्वाधिक मोर्टैलिटी रेट्स वाले स्थानों में की जाती है। ये है राय मुनि। इसके ठीक पीछे एक दिल दहला देने वाला दृश्य है, इसके पिता का। उन्हें कोढ़ का रोग है। कोढ़ के साथ अब रायमुनि के पिता को एक और रोग ने जकड़ लिया है, एक ऐसा रोग जो यहाँ की जीवन धारा में घुला हुआ है। 2 महीने पहले विजय कुमार को मलेरिया ने जकड़ लिया था, पर ठलकोबाद के मलेरिया का स्वरूप शायद विश्व भर में अद्वितीय है, जो सिर्फ मच्छरों से ही नहीं यहाँ के पानी में भी मिश्रित है। ये हम लोग तो भूत यह करने वाले हैं, तो भूत जैसी था वह जो बीमारी था शरीर के अंदर में, जहाँ जिस जगह उस जगह से चूस के निकाला। ठलकोबाद में रोगियों के पास विकल्प क्या है? विकल्प है दुविधा। इनका काम है अपनी सम्मोहन शक्ति को जगाकर पता लगाना कि रोगी को किस भूत या प्रेत ने जकड़ रखा है, और फिर सुझाव देना कि किस जानवर की पूजा से रोग दूर होगा। ऐसे तो मैंने जो पूजा किया सब अच्छा होना से तो अच्छा होना, नहीं तो मर जाता तो मर देता है, मार अपने घर भूत अगर नहीं मानेगा तो अपने मर जाएगा। विकल्प शायद और हो सकता था,
अगर इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ये दशा न होती। दशा छोड़िए, यहाँ पहुँचने के लिए ही रोगी को 17 किलोमीटर का पैदल कठिन पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ता है। थलकोबाद में कोई पूरी रात नहीं सो पाया है। मिलिए उत्तम नाइक से, इन्हें टीबी है। इससे पहले इनके बड़े भाई इसी रोग का शिकार होकर चल बसे। एक तो जाएगा ये डॉक्टर लोग, आपका दवा दे के चले जाएगा, एक साल के बाद तो और आएगा भी नहीं देखने के लिए। पर गांव में एक डॉक्टर आया अपने बलबूते पर। उनकी क्लिनिक की अपनी कमियां हैं, मगर आदिवासियों के लिए ये तिनके के सहारे के समान है। जब हम ये मुद्दे लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व अन्य जिलाधिकारियों से बात करने पहुंचे तो उन्होंने हमें समय देने से इनकार कर दिया। थलकोबाद की वास्तविकता से शायद मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं है। आदिवासियों की राहत का जरिया है हड़िया, यहाँ की लोकल मदिरा। उनके मुताबिक हड़िया उन्हें अपनी वास्तविकता से बचाए रखती है। शाम ढल रही है, मगर इस खूबसूरत पोस्टकार्ड ब्यूटी के पीछे ये बारिश थलकोबाद के वासियों के लिए बीमारी के नए वाहन लाई है। अरे जमाना कितना आगे बढ़ गया है और तुम आदिवासियों जैसी डिप्रेसिंग चीजें दिखा रहे हो, कुछ आगे बढ़ो। आप कुछ भी कह लो साहब, हमारा तो जीना यहाँ मरना यहाँ। फिर वही बात कर दी ना तुमने। अरे हमारे साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंच गए हैं। अपने सुधी को ही लो, वो भी एलियंस के बारे में सोच रहा है। आज फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ देखा। I saw it again. What is the explanation? Who knows? Life on another planet. हमारा समय यहां तो पूरा हो ही चुका है। इस सब के बाद क्या धरती पे हमारा समय बचा है? आप ठीक कह रहे हैं साहब, वो दिन दूर नहीं जब हमें धरती को छोड़कर एक नया बसेरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ खैर, अब ये सब बातें छोड़ और मेरे लिए एक अच्छी सी डिश बनाने की तैयारी कर। आप लोग भी एक ब्रेक लीजिए, तब तक ये मेरे खाने का इंतजाम करता है।
चलो सुधी ने तो फैसला कर लिया किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने का। आप ठहरे अमीर आदमी, आपकी भी नैया कहीं ना कहीं पार लग ही जाएगी, पर मेरा क्या होगा? क्या उम्र भर मैं ऐसी रसोई में कैद रहूं? डोंट लूज होप, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप सच कह रहे हैं साहब, मुझे झूठी दिलासा तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये अगली कहानी देखो, इट विल गिव यू होप। अगर आप ये सोचते हैं कि बड़ा और ताकतवर होने से आप हर परेशानी से बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जंगलों के कटने से सबसे पहले जो जानवर प्रभावित होता है वो है हाथी। ये विशाल जानवर दिन में 16 घंटे चारा खाता है। तेजी से घटते हमारे जंगलों की वजह से हमारे 25,000 हाथियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। भारत सरकार ने 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना शुरू की। इसका लक्ष्य स्पष्ट था, हाथियों को पूरी तरह खत्म होने से बचाना। हाथी हर साल लगभग 200 लोगों को मार रहे थे। वो खेतों पर धावा बोलते और मकानों को बर्बाद कर देते थे। इसके जवाब में लोगों ने हाथियों को मारना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत मुआवजे को जल्द भुगतान के लिए पैसों की व्यवस्था की गई। हाथियों को खेतों में जाने से रोकने के लिए खाइयां और बिजली के तारों वाले बाड़ लगाए गए। हाथी हर साल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वो हर साल एक ही रास्ते से जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट ने पाया कि इन रास्तों की पहचान और उन्हें बनाए रखने से हाथियों को इंसानों के बीच जाने से रोका जा सकता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की सबसे बड़ी चुनौती थी हाथियों के शिकार पर रोक लगाना। 80 के दशक में हाथी दांत के लिए हर साल लगभग 100 हाथी मारे जाते थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पेरियार जैसी जगह में हर 100 मादा हाथियों के लिए सिर्फ एक टस्कर रह गया। सुधार कुछ भी नहीं हो पाई, उस लेवल पर हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जो पैसा हमारा एलिफेंट प्रोजेक्ट में है, कॉरिडोर इतने लंबे लंबे हैं, इतने डिफिकल्ट कॉरिडोर्स हैं कि उनको उतने कम पैसे से हम नहीं सुधार सकते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट ने इस समस्या के समाधान के लिए शिकार पर निगरानी रखने वाली टुकड़ियां बनाई। इन टुकड़ियों ने सख्त पहरे के साथ साथ हाथी दांत के व्यापारियों पर भी तेजी से छापा मारा। पोचिंग सिर्फ मिल का होता है, वो भी साउथ इंडिया में कन्फाइंड है। कंफ्लिक्ट को कम करने के लिए कुछ लोग अभी पॉइजनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हैं, इंक्रीज हो कर रहे हैं, लेकिन हाथी एशियाटिक एलिफेंट की जो ब्रीडिंग की रेट है वो काफी बढ़ गई थी बीच में, जिसके चलते संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट की ही देन है कि पिछले दशक में हाथियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे दृश्य अब आम हो चले हैं। इन भीमकायों ने एक बार फिर घास के मैदानों और जंगलों पर अधिकार कर लिया है जो इनके ही है। हाथी के साथी, ये देखकर अच्छा लगा। तो तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। अच्छा अब ऐसा करो, एक बढ़िया सी डिश तैयार करके सब कुछ टनाटन। अभी तैयार करता हूं डिश साहब, टनाटन। मैं जरा नहा के आता हूं, आप लोग भी चलिए, मैं जरा अपनी डिश तैयार करके आता हूं। नमस्कार।